अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ बुशरा एंड आप देख रहे हैं बुशराज कोचिंग। तो आज हम लोग ज्योमेट्रिक हम लोग करेंगे डिफरेंशियल ज्योमेट्रिक का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है सैलेट फेनेट फार्मूला। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, हमें तीन चीज़ें फाइंड करनी होती है। एक होता है टी ऑफ डैश इज इक्वल्स टू के ऑफ एन, एंड दूसरा होता है हमारे पास एन जो है एन डैश टी बी माइनस टी ऑफ के। ठीक है, एंड थर्ड जो होता है वो हमें क्या फाइंड करना होता है, वो होता है हमारे पास बी ऑफ डैश इज इक्वल्स टू माइनस टी ऑफ एन के। ठीक है, तो यहाँ पर जो वेक्टर्स हैं उनके ऊपर आपने वेक्टर का जो सैम्बल है वो लगाना बिल्कुल नहीं भूलना, बिकॉज इससे आपके जो है मार्क्स हैं वो डिडक्ट हो सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर सबसे पहले हमने क्या करना है, तीन पार्ट्स हैं तो फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट पार्ट करते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा ईजी है तो उसको हम लोग यहीं पर सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट पार्ट को प्रूफ करते हैं, प्रूफ पी आर ओ वी पार्ट वन। ठीक है, तो पार्ट वन को प्रूफ कर देंगे तो हमारे पास क्या होगा, सबसे पहले हमें पता है कि जो डी आर बाय डी ऑफ टी है वो हमारे पास क्या होता है, वो हमारे पास टी के इक्वल होता है। ठीक है, देन हम लोग क्या कर देंगे, इसका डबल निकालेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा, और अच्छा ये तो हमारे पास टी के इक्वल होता है। ऑल्सो अगर हम लोग देखें, ऑल्सो आर डबल डैश जो होता है वो हमारे पास के ऑफ एन के इक्वल होता है। ठीक है, एंड डबल डैश जो होता है वो हमारे पास क्या है, डी टू आर बाय डी ऑफ एस स्क्वायर लिख सकते हैं हम लोग इसको। अच्छा ये टी नहीं है, ये एस है, ऑलरेडी वहाँ पर टी है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसका डबल निकाल देंगे तो ये क्या हो जाएगा, डी टू आर बाय डी एस स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, टी ऑफ डैश हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने इसको इसकी जगह लिख दिया, साथ में के ऑफ एन हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हम लोग इसके इसकी जगह यूज़ कर सकते हैं, बिल्कुल। अच्छा अब इसको देखिए, इसको मैं ओपन कर देती हूँ, ये क्या हो जाएगा, टी बाय टी ऑफ एस, एंड ये क्या हो जाएगा, डी आर बाय डी ऑफ एस इज इक्वल्स टू के ऑफ एन। ठीक है, अब डी आर बाय डी ऑफ एस क्या है, वो टी है, तो मैं यहाँ पर टी लिख दूंगी, टी लिख सकती हूँ ना, ऑफकोर्स, तो यहाँ पर मैं टी लिख दूंगी। अब यहाँ पर जगह नहीं है, मैं इसको यहाँ पर लिख देती हूँ, चले। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डी बाय डी ऑफ एस, एंड ये हो जाएगा टी इज इक्वल्स टू के ऑफ एन। अब इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो जाहिर बात है टी ऑफ डैश होगा, तो यहाँ पर टी ऑफ डैश हो जाएगा इज इक्वल्स टू के ऑफ एन के इक्वल। तो ये हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास प्रूफ हो गया। तो हमने फर्स्ट वाला जो है वो प्रूफ कर दिया ना, हम लोग सेकेंड पार्ट जो है उसको प्रूफ करेंगे। तो चलिए इसको मैं रेज कर देती हूँ ताकि हम लोग सेकेंड पार्ट को प्रूफ कर सकें। तो सेकेंड पार्ट को छोड़ देती हूँ, ठीक है ना, सेकेंड पार्ट को प्रूफ करेंगे। तो उसके लिए चलिए चलते हैं, इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास आ जाएगा, क्या है हमारे पास, ये है हमारे पास एन डैश इक्वल टू टी ऑफ बी माइनस के ऑफ टी। तो इसके लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे, हम लोग यूज़ करेंगे बी क्रॉस टी इज इक्वल्स टू एन। तो यहाँ से प्रूफ स्टार्ट करती हूँ मैं, ताकि हमारी जो नीचे जगह है वो हमारे पास रहे, पार्ट टू। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग लिख देंगे, एज वी नो, एज वी नो दैट बी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ऑफ टी इज इक्वल्स टू वट एन। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन हमें ऑलरेडी पता है, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे हम लोग विद रिस्पेक्ट टू एस। तो यहाँ पर लिख देंगे डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एस। ठीक है, अब मैं ये जगह हटा देती हूँ ताकि हमें पता चल जाए, वैसे भी हमें पता है ना कि हम लोग सेकेंड पार्ट फाइंड कर रहे हैं, तो हम लोग के पास स्पेस होना चाहिए, तो मैंने यहाँ पर वो हटा दिया। नाउ हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, तो ये हो जाएगा डी बाय डी ऑफ एस इक्वल टू बी क्रॉस टी इक्वल टू डी बाय डी ऑफ एस, और ये हो जाएगा एन। ठीक है, अब हमें पता है जब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होता है तो हम लोग क्या यूज़ करते हैं, हम लोग यूज़ करते हैं हमारा प्रोडक्ट वाला फॉर्मूला। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा फर्स्ट, तो फर्स्ट रह जाएगा, सेकेंड का डेरिवेटिव ले लेंगे तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा डी डी टी बाय डी ऑफ एस, फिर हो जाएगा हमारे पास प्लस, साथ में आ जाएगा फर्स्ट का डेरिवेटिव ले लेंगे डी बी बाय डी ऑफ एस, एंड सेकेंड वैसे का वैसे आ जाएगा। एंड यहाँ पर क्या हो जाएगा, एन का डेरिवेटिव लेंगे तो एन ऑफ डैश आ जाएगा, तो एन ऑफ डैश इसको मैं इक्वेशन नंबर वन बोल दूंगी। सही है, अब मैंने इसको इक्वेशन नंबर वन बोल दिया ना, हम लोग इसको यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर देख लेते हैं ये क्या हो जाएगा हमारे पास, एन ऑफ डैश मैं यहाँ पर लिख देती हूँ ताकि हमारे पास बिल्कुल जो है ऑर्डर से रहे। तो यहाँ पर एन ऑफ डैश मैंने लिख दिया, एंड ये हो जाएगा हमारे पास बी, बी का बी रहेगा, डी टी बाई डी ऑफ एस बिल्कुल वैसे का वैसा,
एंड अगर हम लोग बी ऑफ डैश को देखें तो बी ऑफ डैश हमें ऑलरेडी थर्ड पार्ट में दिया गया है। बी ऑफ डैश किस चीज़ के इक्वल है? माइनस टी ऑफ एन के। तो मतलब मैं इसकी वैल्यू लिख सकती हूँ, वो क्या है? माइनस टी ऑफ एन, ठीक है। एंड देन क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा हमारे पास टी के साथ, ठीक है। बट अगर हम लोग देखें तो हमारे पास एक इन्फॉर्मेशन थी कि टी क्रॉस एन हमारे पास हो जाता है बी के इक्वल, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे? एन ऑफ डैश हमारे पास इक्वल आ जाएगा किस चीज़ के? बी क्रॉस डी ऑफ टी बाय डी ऑफ एस, एंड ये हो जाएगा हमारे पास माइनस टी। अब ये जो एन है इसकी जगह हमारे पास क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा। तो ये हो जाएगा, इन दोनों की जगह क्या हो जाएगा हमारे पास? बी आ जाएगा। एंड अगर हम लोग देखें तो माइनस ऑफ बी आएगा, क्योंकि हमारे पास एक साइकिल होती है। तो यहाँ पर मैं वो साइकिल ड्रॉ करके बता देती हूँ आपको, हमारे पास एक साइकिल होती है, ठीक है। एंड उस साइकिल में हमारे पास तीन चीज़ें होती हैं, एक होता है बी, एक होता है एन, एक होता है टी, ठीक है। ये एक साइकिल है, तो इस साइकिल को आप याद रखिएगा। तो क्या हो जाएगा कि जब भी आप ये वैल्यूज़ यूज़ करेंगे तो आपको पता होंगी, ठीक है। तो अगर हम लोग इस तरह से यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो हमारे पास चार्ज लगेगा, ठीक है। एंड अगर हम लोग इस तरह से यूज़ कर रहे हैं तो हमारे पास अलग चार्ज लगेगा, जैसे कि हमें पता है कि पॉजिटिव और नेगेटिव होता है। तो अगर हम लोग देखें T और N है, जब B की तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा? नेगेटिव चार्ज लगेगा, तो माइनस ऑफ क्या हो जाएगा? B हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं माइनस ऑफ B लिख दूँगी। अगर ऐसा होता कि B और T होता और N की तरफ जा रहा होता तो मैं पॉजिटिव लिखती, बिकॉज ऑफ पॉजिटिव चार्ज है। बट उल्टा जा रहा है तो नेगेटिव चार्ज होगा, तो यहाँ पर मैं नेगेटिव चार्ज मैंने लिख दिया, ठीक है। तो इधर गड़बड़ ना कीजिएगा, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने नेगेटिव चार्ज लगा दिया ना, नेगेटिव नेगेटिव हमारे पास क्रॉस हो जाएगा। ये हो जाएगा B क्रॉस डी टी बाई डी ऑफ एस हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा T ऑफ B, ठीक है। ये हो जाएगा हमारे पास N ऑफ डैश की वैल्यू, तो N ऑफ डैश की वैल्यू यहाँ पर कंटिन्यू है। और अगर हम देख लें यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ T है, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ T हमें क्या देता है? T डैश हमें क्या देता है? K ऑफ N देता है ना, फर्स्ट के प्रूफ से। तो हम लोग यहाँ पर ये यूज़ कर लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा N ऑफ डैश इज इक्वल्स टू B क्रॉस K ऑफ N प्लस टी बी। अब यहाँ पर जो दो वेक्टर्स हैं हम लोग उन दोनों को ले लेते हैं, यानी N और B को, ठीक है। तो चलिए मैं इसको ऊपर को इरेज कर देती हूँ। तो ये हो जाएगा हमारे पास N ऑफ डैश इज इक्वल्स टू K बाहर B क्रॉस N हो जाएगा प्लस टी ऑफ B हो जाएगा। B क्रॉस N से हमारे पास क्या आ जाएगा? हमारे पास आ जाएगा माइनस ऑफ टी, वो जो साइकिल मैंने अभी बनाई थी उधर से ही वैल्यू निकालनी है। एंड ये हो जाएगा के प्लस टी ऑफ बी, और इसको ऑर्डर से लिख देंगे, ये हो जाएगा टी ऑफ बी माइनस के ऑफ टी, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा क्या हो गया? हमारा जो सेकंड पार्ट है वो भी हो गया है प्रूफ। तो ये हो गया हमारे पास प्रूफ सेकंड पार्ट, ठीक है ना। थर्ड पार्ट प्रूफ करेंगे, चलिए चलते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। एंड अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि यहाँ पर हम लोग मैथ्स का बहुत अच्छा कंटेंट पढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम लोग ने सेकंड पार्ट कर लिया, नाउ थर्ड पार्ट करेंगे, ठीक है। तो थर्ड पार्ट के लिए भी हम लोग क्या यूज़ करेंगे? वो जो हमारा पास था बी इज़ इक्वल्स टू टी ऑफ एन, तो यहाँ पर लिख देते हैं प्रूफ थर्ड, ठीक है। तो थर्ड पार्ट प्रूफ कर रहे हैं, तो यहाँ पर मैं थर्ड लिख दूँगी थ्री, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे? वी नो दैट बी इज इक्वल्स टू टी क्रॉस एन, ठीक है। तो यही चीज़ हम लोग यूज़ करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा? इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास डी ऑफ बी बाय डी ऑफ एस, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर हमने न्यू चीज़ यूज़ की है, बी इज इक्वल्स टू टी ऑफ एन, तो ये हो जाएगा डी बी बाई डी ऑफ एस, ठीक है, इज इक्वल्स टू, इधर फिर से प्रोडक्ट वाला फॉर्मूला लगेगा, तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट लगा दूंगी, क्योंकि प्रोडक्ट फार्मूला हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा क्या हो गया है? पुराना हो गया, क्योंकि हमने काफ़ी दफ़ा यूज़ किया हुआ ये चीज़ें, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास टी क्रॉस डी ऑफ एन बाई डी ऑफ एस प्लस डी ऑफ टी बाई डी ऑफ क्या एस एंड क्रॉस मल्टीप्लाई बाय एन, सही है। तो मैंने क्या कर दिया? क्रॉस जो हमारा प्रोडक्ट फार्मूला है वो मैंने यूज़ कर लिया। नाउ यहाँ पर हम लोग वैल्यूज़ को पुट करेंगे, जैसे डी ऑफ टी बाई डी ऑफ एस, डी ऑफ टी बाई डी ऑफ एस से हमारे पास क्या आता है? हमारे पास यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा? ये हो जाएगा हमारे पास के ऑफ एन देता है, ये क्या है हमारे पास? टी ऑफ डैश, जो कि हमें के ऑफ एन देता है।
ये हो जाएगा हमारे पास टी क्रॉस डी ऑफ एन बाय डी ऑफ एस, एंड ये हो जाएगा हमारे पास के ऑफ एन क्रॉस एन। तो जब भी हमारे पास दो जो वेक्टर होते हैं एन क्रॉस एन, वो हमारे पास ज़ीरो देता है, तो यानी ये जो होगा हमारे पास होल टर्म ज़ीरो हो जाएगा। ये हो जाएगा टी क्रॉस डी ऑफ एन बाय डी ऑफ एस, ठीक है। एन प्लस क्या कर देंगे हम लोग, ज़ीरो के साथ प्लस कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास ज़ीरो के साथ प्लस। तो अगर हम लोग ज़ीरो प्लस बस हटा देंगे, उधर हमने रीज़न लिख दिया ना, तो यहाँ पर हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो हमने ये लिख दिया है ना, हम लोग क्या करेंगे, जो हमारे पास डी बी बाई डी ऑफ एस है, वो हमारे पास क्या है, डी बी बाई डी ऑफ एस वो हमारे पास है इज़ परपेंडिकुलर टू टी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे ना, हम लोग करेंगे बट बी डॉट बी हमारे पास क्या होगा, वन के इक्वल होगा। तो चलिए हम लोग कर देते हैं इसको, नेक्स्ट चलते हैं, इसको मैं इरेज कर देती हूँ, आगे सॉल्व करते हैं। तो जब वो परपेंडिकुलर है तो हमारे पास क्या हो जाएगा, डी बी बाय डी बाय डी ऑफ एस, बी डॉट बी हम लोग ले लेंगे इक्वल टू डी बाय डी ऑफ एस, ये हो जाएगा वन इज इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। अब जैसे कि हमें पता है वन है तो ज़ीरो हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, बी डॉट डी बी बाय डी ऑफ एस प्लस बी बाई डी ऑफ एस डॉट बी। तो हमने क्या कर दिया, हमने फिर से जो है वो प्रोडक्ट वाला फार्मूला यूज़ कर लिया। तो ये हमने यूज़ कर लिया, इक्वल टू क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। तो हमने इसके साथ डॉट प्रोडक्ट किया है, ये इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगा, तो हमने यहाँ पर इक्वल टू ज़ीरो लिख दिया है। नाउ इसको आगे सॉल्व करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास डी बी, ये हो जाएगा हमारे पास, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा एक और, उसको बोल देंगे हम, क्या बोल देंगे इसको, हम लोग बी बोल देंगे। तो यहाँ से एक और बी आ जाएगा, तो हम लोग इसको बोल देंगे टू ऑफ बी एंड डी बी बाय डी ऑफ एस इक्वल टू ज़ीरो। तो ये हो जाएगा हमारे पास बी डॉट डी ऑफ एस बाय डी ऑफ एस इक्वल टू ज़ीरो, डी बी बाय डी ऑफ एस इक्वल टू ज़ीरो। नाउ हमारे पास जो डी बी बाय डी ऑफ एस है, वो भी हमारे पास क्या है, इस पर पेंडी कूलर टू बी, तो ये भी हमारे पास परपेंडिकुलर है डी के। नाउ हम क्या करेंगे, नाउ हम लोग टी एंड बी को ले लेंगे, ठीक है, तो ताकि वो हमारे पास क्या हो, दोनों के पास परपेंडिकुलर हो। तो चलिए इसको ले लेते हैं, ये क्या हो जाएगा, डी बी बाय डी ऑफ एस इज परपेंडिकुलर टू बोथ टी एंड बी। सो यहाँ पर आगे जाते हैं, सो हमारे पास क्या हो जाएगा, सो इट मस्ट बी पैरेलल पैरा, तो इस मस्ट बी पैरेलल टू क्या, एन बचा तो एन के साथ ही पैरेलल होगा, तो ये हो जाएगा डी बी बाई डी ऑफ एस इक्वल टू माइनस टी ऑफ एन। तो इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, इससे हम लोग बी ऑफ डैश लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस टी ऑफ एन, विच इज़ द क्या, प्रूफ ऑफ सेकेंडली थर्ड जो हमारे पास फंक्शन था उसका। तो ये हमारे पास प्रूफ हो चुका है, तो हमने तीनों चीज़ों को प्रूफ कर लिया, हो गया, आपको समझ आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अब तक ख्याल रखिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।